ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है कि सीपीयू विल बी असाइन टू द प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ एफसीएफएस। एफसीएफएस मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो भी प्रोसेस पहले आया है मींस अराइवल टाइम यहाँ पर मैटर करता है कि जो भी प्रोसेस पहले आया है उसको एग्जीक्यूशन मिलेगी बट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। और ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है इसको हम कहते हैं टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस। ओके, और जब ये टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा तो रनिंग प्रोसेस को हम क्या करेंगे, प्रीएम्प्ट कर देंगे, मींस सीपीयू का कंट्रोल उससे लेकर नेक्स्ट प्रोसेस को दे देंगे। ओके, तो ये सभी प्रोसेसेस जो भी हैं रेडी क्यू में उनको जो है नंबर वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मींस जो भी प्रोसेसेस क्यू में है मतलब रेडी क्यू में है, ये क्यूज क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस। एंड जितने भी इस वीडियो में मैं टाइम की बात करूंगी वो सभी टाइम्स भी मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, सो जस्ट गो थ्रू द टाइम वीडियो आई हैव अपलोडेड। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। सो मैंने कहा कि जब टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा किसी भी प्रोसेस का, चाहे उसका फर्स्ट टाइम मीन्स अभी भी एग्जीक्यूशन का टाइम बाकी है, फिर भी हम उसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, प्रोसेसर उससे ले लेंगे और उसको रेडी क्यू में वापस डाल देंगे। ठीक है, सो द प्रोसेस इज असाइन टू द नेक्स्ट अराइव प्रोसेस। ठीक है, जो भी बाद में क्यू में खड़ा हुआ है उसको प्रोसेसर मिल जाएगा। इट इज ऑलवेज प्रीएम्प्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूशन में चल रहा है उसे हमेशा प्रोसेसर ले लिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन दे दी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन खत्म होने का। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, इट गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिस्पॉन्स टाइम्स। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रोसेसेस क्यू में हैं सभी का नंबर है आएगा फर्स्ट थिंग, और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा सभी को। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्यू में खड़े हैं और आपको वेट करें कि आपका नंबर कब आएगा, बट जो काउंटर पर खड़े हैं या फिर जो विंडो पर हैं वो क्या कर रहे हैं, हर एक क्लाइंट को थोड़ी थोड़ी देर के लिए अटेंड कर रहे हैं। तो इसको इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ठीक है मुझे रिस्पॉन्स मिला, राइट, क्योंकि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा एक बार एक क्वेश्चन सबसे पूछा और ठीक है अभी दोबारा आपको एंटरटेन करेंगे इस तरह से। ठीक, सो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम मीन्स सभी को जो है कोई भी रिसोर्स अवेलेबल होगा बट टाइम शेयरिंग मीन्स सभी के साथ हमने टाइम शेयर करने वाले हैं कि ठीक है थोड़ा टाइम आपके साथ, थोड़ा टाइम आपके साथ और थोड़ा टाइम आपके साथ, बट डजंट मीन कि आपको आपकी सभी क्वेरीज ली जाएंगी, बट सबको एक एक क्वेश्चन पूछने का क्या है चांस मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे सेम होता है कि एक एक रिक्वेस्ट ले ली, ठीक है पे वर्क किया, फर्दर और रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं कि मुझे और क्वेश्चन पूछने, फिर आपको क्यू में रखा जाएगा, मीन्स आप दोबारा से क्यू में लगी और आपको फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एटलीस्ट टू स्टार्वेशन फॉर द प्रोसेसेस विद द लार्जर बर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्वेशन क्यों होती है इसी, क्योंकि एक प्रोसेस जो है जिसका लार्जर बर्स्ट टाइम है तो उसमें क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन में भी जा सकता है क्योंकि जो क्वांटम है सभी को 2-2-2 फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि 2-2 यूनिट्स मिले थे और सबको मिल रहे हैं, बट जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, हम कह सकते हैं जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली वो फील करेगा कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, राइट, ठीक है, क्योंकि जिनके क्वेश्चन कम थे उनको एक एक बार एंटरटेन कर दिया, दोबारा उनको एंटरटेन कर दिया, बट जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है मीन्स अगर हम सिनेरियो पर जाएं कि अगर जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है उसको लगेगा कि मुझे तो मिला ही नहीं, राइट, मेरे क्वेश्चंस का आंसर हुआ ही नहीं, मैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा उसके बाद मतलब आपको वेट करना पड़ रहा है फिर से क्योंकि आप बार बार उसी साइकिल में जा रहे हो और ऑब्वियसली अ पर्सन कांट हैव दैट मच पेशेंस। ओके, सो इट परफॉर्मेंस हैवीली डिपेंड्स ऑन टाइम क्वांटम। जो भी एल्गोरिथम या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटली टाइम क्वांटम पर वर्क कर रहे हैं। टाइम क्वांटम मीन्स जितना टाइम आप ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा ये बेटर रहेगा या बेटर नहीं रहेगा वो डिपेंड करता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेसेस, मीन्स यहाँ पर हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी पर वर्क नहीं करते, सभी को
इक्वालिटी मिलेगी, मीन्स सभी को एंटरटेन किया जाएगा, ये नहीं कि आप हायर पार्टी के, जैसे कि कोई सीएम वगैरह आ जाता है और उसको कहा जाए ठीक है आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, कितनी देर भी क्वेश्चन पूछो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है. ओके, सो विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि टाइम क्वांटम पर डिपेंड करता है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम मीन्स सबको कितना टाइम देना है इस पर डिपेंड करता है. अगर हम उस टाइम को कम कर दें, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम हम 1 यूनिट रखें, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच इंक्रीजेज. ये कॉन्टेक्ट स्विच क्या है, कि आप बार बार किसी को भी इस तरह से ले सकते हैं कि आप बार बार क्वेश्चन के लिए आप एंटरटेन कर रहे हैं और फिर से कहते हैं कि फिर से क्यों में जाओ, ठीक है, मतलब आप स्विच कर रहे हो, प्रोसेसेस को स्विच कर रहे हो, आप इस तरह से कहते हैं. बट अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म्स में बात करें, तो आप प्रोसेसर के पास एक प्रोसेस जा रहा है और वापस मेन मेमोरी में आ रहा है, फिर से प्रोसेसर के पास जा रहा है, फिर से मेन मेमोरी में जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीजेस मीन्स अगर हम रिस्पॉन्स टाइम मीन्स सभी को रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर हम हार्डली एक सेकेंड सबको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्स सभी को मिलने वाला है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. चांसेस ऑफ स्टारवेशन डिक्रीजेस, अब ये कैसे होगा, सी जैसा मैंने कहा कि किसी का बर्थ टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जैसा मैंने सिनेरियो लिया कि सभी के क्वेश्चन हम एंटरटेन करने वाले हैं और हर एक सेकेंड में हम हर एक का टर्न आने दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिसका जिसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं ऑब्वियसली ही विल बी हैप्पी कि हर सेकंड में मुझसे मेरा जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर मुझे मिल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, स्टारवेशन, मतलब उसको मतलब आप कह सकते हैं कि उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन हर सेकंड मतलब बहुत कम टाइम के बाद फिर से मेरा नंबर आ रहा है, आप कह सकते हैं, ठीक है. तो चांसेस ऑफ स्टारवेशन डिक्रीजेस. सो द स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स सभी को जल्दी मिलने वाला है, ठीक है, हम कह सकते हैं. विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, अगर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल हमने 10 यूनिट रख दिए, उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. वो किस तरह से, जो स्मॉलर नंबर हैं जिनका बस 10 स्मॉलर है, उस केस में क्या होगा कि कॉन्टेक्ट स्विचेस कम होंगे. क्यों, क्योंकि अगर किसी का 10 से कम है तो वो ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो गया है प्रोसेस, मतलब उसको बार बार लाइन में लगना ही नहीं पड़ेगा, बार बार रेडी क्यू में आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनली टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीजेस. अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि अगर हम एक पर्सन के 10 क्वेश्चंस को एंटरटेन कर रहे हैं, तो सेकेंड वाला, थर्ड वाला एंड फर्दर जितने भी पर्सनस हैं वो बहुत ज़्यादा वेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें कोई ही 10 यूनिट दे रहे हैं, ठीक है. चांसेस ऑफ स्टारवेशन इंक्रीजेस, ये कैसे, सी जैसा हमने कहा कि जो बाकी प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्रोसेस भी है, उसको भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, चाहे उसका जो बस टाइम है वो कम है या ज़्यादा है, बट स्टिल क्योंकि हम एक पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकी सब स्टारवेशन में जा सकते हैं, ठीक है. क्यों, क्योंकि हो सकता है जब हम एक पर्सन को एंटरटेन कर रहे थे और भी जो है प्रोसेस आ गए, या फिर और भी लोग आ गए हैं जो कि क्वेश्चनिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्रोसेसेस जो है स्टारवेशन में जा रहे हैं. ओके, सो द हायर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम इज बेटर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच, इन जो स्विचेज हैं वो कम होंगे, और बाकी चीज़ों में हम देखें तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि जितना कम वैल्यू होगी टाइम क्वांटम की वो ज़्यादा बेटर है कुछ केसेस में. तो ये जो वैल्यू है टाइम क्वांटम की, ये बहुत ही ध्यान से लेनी है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें ऑलरेडी टाइम क्वांटम गिवन है, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. दीज आर द प्रोसेसेस P1 टू P5 और अराइवल टाइम्स गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 एंड बस टाइम्स आर गिवन दीज. सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम वर्क करेगा और टाइम क्वांटम कितना गिवन है, 2 यूनिट. हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ओके, तो फर्स्ट थिंग, हमें यहाँ पर अराइवल टाइम मैटर करता है और टाइम क्वांटम मैटर करता है और रेडी क्यू. रेडी क्यू क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद एक एक प्रोसेस को वापस रेडी क्यू में डालने वाले हैं, तो ये रेडी क्यू बहुत मैटर करती है. तो यहाँ पर 3 चीज़ों पर ध्यान देना आपको, अराइवल टाइम,
कि कब अराइव हुआ, टाइम क्वांटम कितना गिवन है, ठीक है, और रेडी क्यू। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और मेंटेन करनी है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में भी किया था कि क्योंकि यहाँ पर सभी को 2 यूनिट मिलने वाले हैं और बस टाइम सबका अलग है, तो यहाँ पर ये भी डिक्रीमेंट करना हमें क्या करना है, यहाँ पर भी ध्यान देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 0 अराइवल टाइम पर P1 है, ठीक है, तो इसका मतलब P1 एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेडी क्यू में P1 था जिसको प्रोसेसर मिल गया और एग्जीक्यूशन हुई। कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूशन है? 2 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 0 to 2 P1 एग्जीक्यूट हुआ, बट अब क्या हुआ, इसको प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब इसे कंट्रोल ले लिया गया। क्यों? क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था 0 to 2, दो और प्रोसेसेस थे जो कि यहाँ पर पहले एक बार कट कर देते हैं। ओके, सो 2 यूनिट्स के लिए ये हुआ और यहाँ पर जो बर्स्ट टाइम है वो 3 यूनिट रह गए, ठीक है। तो बट जब ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पर दो और प्रोसेसेस जो हैं पिक्चर में आ चुके हैं, मीन्स जो रेडी क्यू है उसमें दो और प्रोसेसेस आ चुके हैं, P2 और P3, ठीक है। तो यहाँ पर सी, जब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस और नहीं होगा एग्जीक्यूशन में, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू कर सकता है कि टाइम क्वांटम पर डिपेंड नहीं करेगा। बट क्योंकि ये प्रोसेसेस आ चुके हैं रेडी क्यू में, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का चांस मिलेगा, ठीक है। तो P2 एग्जीक्यूट करेगा कितना टाइम के लिए? अगेन 2 यूनिट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सी, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था, P2 और P3 क्या थे? क्यू में आ चुके हैं। तो ये क्या है, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये फिर से क्यू में लगेगा, ठीक है। हम जैसे कि मैंने सिनेरियो लिया था, ये फिर से क्वेश्चन करना चाहता था, ये फिर से वेट करेगा, बट ऑब्वियसली बाकी क्यू में है, तो ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज P2 एग्जीक्यूट करेगा 2 यूनिट के लिए, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो P2 एग्जीक्यूट करेगा 2 यूनिट के लिए और यहाँ पर जो बर्स्ट टाइम है वो 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर P2 एग्जीक्यूट हुआ 2 यूनिट के लिए, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से जिस टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा था P2 2 to 4, उस टाइम पर दो और प्रोसेसेस आ चुके हैं, P4 और P5, ठीक है। तो ये भी रेडी क्यू में आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें टेबल में। ओके, सो P2 एग्जीक्यूट हुआ फॉर 2 यूनिट्स और बस टाइम बचा है 1, तो क्योंकि ये बाकी प्रोसेसेस जो है पिक्चर में आ चुके हैं, बट इसको और भी क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसका बस टाइम अभी भी रहता है, तो ये क्या करेगा, अगेन क्यू में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना बिल्कुल मत भूलें, ये मत सोचें कि ठीक है पहले P1 P2 P3 P4, इस तरह से नहीं चलेगा। ये क्यू अराइवल टाइम पर भी डिपेंड कर रहे हैं, इस बस टाइम पर भी डिपेंड कर रही है कि ये दोबारा लाइन में आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है पर्टिकुलर प्रोसेस, तो उस बीच कोई प्रोसेस अराइव हुआ है तो पहले वो लाइन में आएगा, ठीक है। ओके, तो P2 एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बट P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि आप ये मत सोचें कि P3 जो है पूरा टाइम क्वांटम 2 यूनिट लेने वाला है, नहीं, यहाँ गैंट चार्ट में ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसका बस टाइम 1 है, तो सिर्फ 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी, क्या होता है कि अगर यहाँ रेडी क्यू में कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली 1 यूनिट P3 एग्जीक्यूट होने के बाद जो CPU है वो आइडल बैठता, बट यहाँ आइडल नहीं बैठेगा, ये रेडी क्यू चेक करेगा कि क्या और प्रोसेसेस हैं। हाँ, अगर ये अवेलेबल नहीं होते, ऑब्वियसली उस टाइप का CPU आइडल बैठता, बट बाकी प्रोसेसेस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप सिर्फ 1 यूनिट दिखाएंगे, यहाँ ब्लैंक नहीं दिखाएंगे 1 यूनिट के लिए, क्योंकि इसको 1 यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ CPU जो है चेक करेगा कि बाकी प्रोसेसेस अगर अभी भी वेट कर रहे हैं, तो उनको एग्जीक्यूशन के लिए CPU मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि इसका बस टाइम 1 था, तो ये 1 टाइम ही 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा, P3 4 to 5, और क्योंकि अब ये एग्जीक्यूट हो गया है, इसको ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि अगर इस हम कह सकते हैं इसका एक ही क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली इसको फिर से लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये अब पिक्चर से बाहर है, ठीक है, इसे क्यू में नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज P1 3 यूनिट्स है, ठीक है, तो पी अगेन एग्जीक्यूट होगा फॉर 2 यूनिट और फिर से इसका बस टाइम बचा हुआ है 1, ठीक है। तो P1 एग्जीक्यूट हुआ 2 यूनिट के लिए, 5 to 7, और
यहाँ पर क्योंकि एग्जीक्यूशन अभी इसकी हो चुकी है तो ये वापस क्यू में फिर से आएगा क्योंकि अभी भी इसका बस टाइम रहता है, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट इज P4, P4 एग्जीक्यूट होगा, P4 इसका बस टाइम 2 है, ठीक है। तो 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ 7 to 9 और ये अब वापस क्यू में नहीं आएगा क्योंकि इसका जो बस टाइम 2 था और वो कंप्लीट हो गया बस टाइम, तो अब इसको क्यू में लगने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज P5, P5 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर 3 बस टाइम है तो यहाँ पर 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 यूनिट रह गई है और यहाँ से ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पर हमने दिखा दिया 9 + 2 = 11 और यहाँ से ये फिर से क्यू में लगेगा क्योंकि अभी भी इसका बस टाइम रहता है, ठीक है। ओके तो अब क्यू में है P2 अगर देखें तो हम यहाँ पर 1 यूनिट बचा है तो ऑब्वियसली ये 1 यूनिट के लिए ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कोई साइकिल या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पर वेस्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रेडी क्यू में और भी प्रोसेसेस हैं। तो P2 एग्जीक्यूट हुआ 1 यूनिट के लिए, ठीक है, और P2 फाइनली यहाँ से कट हो गया और यहाँ पर फिर से क्यू में नहीं आएगा। देन क्यू में P1 है, P1 एग्जीक्यूट हुआ 1 यूनिट के लिए, 13 और यहाँ पर ये कट हो गया और यहाँ से ये क्यू से भी हट गया। फाइनली P5 बचा और यही क्यू में है और इसको एग्जीक्यूशन मिलेगी 13 + 1 = 14 और फाइनली यहाँ से भी हट जाएगा ये और ये क्यू में से भी हट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपको 3 चीज़ें मेंटेन करनी है, बस टाइम कितना बचा हुआ है, क्यू में किस तरह से आएंगे, ठीक है, और बीच में अगर कभी भी ये जो गैंट चार्ट चल रहा है हर एक 2 यूनिट के बाद, अगर क्योंकि टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स है, हर एक 2 यूनिट्स के बाद आप चेक करेंगे कि क्या और प्रोसेसेस आ चुके हैं। अगर वो प्रोसेसेस आ चुके हैं तो पहले क्यू में वो आएंगे, फिर दोबारा से जो कोई भी प्रोसेस दोबारा से क्यू में आना चाहते हैं वो बाद में आएगा, ठीक है। ओके तो हमारे पास गैंट चार्ट आ गया फाइनली, तो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी, एग्जिट टाइम विच इज द कम्प्लीशन टाइम, और P1 का जो एग्जिट टाइम है वो है 13, P2 का है 12, P3 का है 5 एंड P4 का है 9 एंड P5 का है 14, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो 13 माइनस 0 इज 13, 12 माइनस 1 इज 11, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6 एंड 14 माइनस 4 इज 10। वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4, 10 माइनस 3 इज 7, ठीक है। तो अब हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, 13 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 क्योंकि 5 प्रोसेस है और इनको भी ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 43 डिवाइड बाय 5 विच इज 8.6 यूनिट और एवरेज वेटिंग टाइम इज 29 डिवाइड बाय 5 विच इज 5.8 यूनिट, ओके।